इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। प्रभु आए अयोध्या में, नित नूतन आनंद मंगल हो रहा है। कहीं न जाय कछु नगर विभूति, नगर के ऐश्वर्य का कोई वर्णन नहीं। बाबा कहते हैं एक नहीं भुवन चार दस, चौदहो भुवन में पुण्य रूपी सलिल वृष्टि कर रहे हैं। रिद्धि सिद्धि रूपी नदियां अयोध्या रूपी समुद्र की ओर दौड़ पड़ी। हम आपसे नित्य आग्रह कर रहे हैं, लोगों की अपनी अपनी परिभाषा और मान्यता होगी, जो जितना धर्मशीलता पूर्वक रहता है उसके हृदय में उतना आनंद वर्धन होता रहता है, और जो जितना अधर्म में रहता है वो उतना कलुषित जीवन जीता है। धर्म को धारण किया जाए, धारयेत इति धर्मः। महाराज चक्रवर्ती जी धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, भरत जी ने राज सिंहासन क्यों नहीं लिया? भरत जी कहते हैं अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठने के लिए चाहिए धर्मशील नर नाहू। कौन बैठेगा? जो धर्मशील होगा, युग कोई हो, व्यवहार कैसा हो, शांत वही रहेगा जो धर्म में जीता। अधर्म में जीने वाला व्यक्ति जीवन में कभी शांत नहीं रह सकता, वह शांत रहेगा। अब देखिए शांति और अशांति ये प्रवचन का विषय नहीं है, ये तो साथ रहने पर पता चलता है। कौन शांत है कौन अशांत है, सोना समझे कसे और मनई समझे बसे। सुख संपदा अपने आप चल के आ रही है, ढूंढना नहीं पड़ता। इक्ष्वाक वंश का सिंहासन धर्मशील राजाओं से सुशोभित भया। प्रभु आए, चारों भाई ब्याह करके अयोध्या की प्रजा नित्य दर्शन पा रही है, आनंद में निमग्न हो रही है, बढ़ रहा रस बढ़ रहा। प्रजा के अंदर एक भाव है कि राम जी का विवाह हो गया, चारों भाइयों का विवाह हो गया, क्या अच्छा होता श्री चक्रवर्ती महाराज राम जी को युवराज पद पर बिठा देते। प्रजा का भाव राजा तक उपस्थित हुआ। दर्पण दर्शन करके मुकुट सम करते एक दिन महाराज ने अपने कान के पास के बालों को श्वेत होते देखा। महाराज को अंदर से ज्ञान जगा, उपदेश आया। क्या? नृप युवराज राम कहूं दे, जीवन जन्म लाभ कीन ले। किसी भी जीव को
तीन स्थानों पर क्षणिक ज्ञान जगता है, क्षणिक वैराग्य जगता है। स्मशान पर चिता जलते देखकर क्षणिक वैराग्य होता है, संसार में कुछ है नहीं, देखिए ये भी गए। कई वयोवृद्ध लोग तो ये गिनते हैं कि हमारे चार दोस्त चले गए, अब हमारी बारी है। वयोवृद्ध लोग होते हैं ना, वो बारी तो सबकी। आजकल कलयुग है, किसकी बारी कब आएगी ये कहना बड़ा कठिन है, बहुत मुश्किल है। श्मशानी चिता देखकर वैराग्य होता है। सत्संग में बैठकर सत्संगति करते हुए जीव को क्षणिक वैराग्य होता है। ठीक कह रहे हैं महाराज, इसलिए अपने राम जी तो वैराग्य की कथे नहीं सुना। काय, अरे घरे में लोगों का वैराग हो रहा है, इसलिए अनुराग की कथा सुनाते। प्रेम से रहो घर में, जो होना होगा होगा। वैराग्य लेकर आप डोलते रहेंगे, न घर के रहेंगे न घाट के। और जिसको जगना होगा उसको भरे बाजार में वैराग्य जग जाता है। तीसरा, जब जीव विषय में गति करता है तो उस क्षण उसको वैराग्य होता है। महात्मा राजा भर्तृहरि जी ने वैराग्य शतक में यह स्थल बताए। महाराज को बाल श्वेत देखकर वैराग्य हुआ। गुरुदेव भगवान के चरण में पधारे। अब यहां एक भाव है, हम आप जो सत्संगी है, मानव जीवन देवताओं को भी दुर्लभ है। भगवान ने कबहू का करी करुणा ये शरीर दे दिया है। नरक स्वर्ग अपवर्ग की सीढ़ी है मानव तन। सत्संगी नरक में जाते नहीं है, स्वर्ग हमको आपको जाना नहीं है। सगुणोपासक है तो मोक्ष लेना नहीं है, तो फिर क्या करना है? यदि तीनों में नहीं जाना है तो करना क्या है? अब तो बस भजन करना है, भगवान में रमना है, भगवान में ही रहना है। और जाना है तो लौटकर भजन करने के निमित्त ही मानव शरीर में आना है, ऐसा भाव दृढ़ रखिए। नरक जाएगी नहीं। 108वीं एकादशी जिसकी पूरी हो गई उसको नरक नहीं मिलता, भागवत। हाँ, एक बात। दूसरी बात, भगत का स्वर्ग में क्या काम? स्वर्ग में तो केवल भोग है। जब हम लोग यहीं भोग में गति नहीं कर रहे हैं, रति नहीं है हमारी, तो स्वर्ग में क्यों जाएंगे? वहां देवता लोग अपने मजा में रहते हैं, माफ करना प्रभु। स्वर्ग जाना नहीं। और भगत को मोक्ष लेना नहीं। हम लोग तो रम रमिया वाले हैं, राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी कृष्ण नाम मिश्री घोर घार पी पी। ये भगत तो रम रमिया वाले हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे। भगत को क्या, जहां हैं वहीं आनंद है। भगत को क्या, पहली बात तो हम लोग अपने बारे में बड़ा ही स्पष्ट रहें। हम सभी लोग अपने एकदम क्लियर रहिए कि हम क्या हैं और कैसे रहेंगे। हम आप भगत हैं, भगत हैं तो भजन में रहना है,
रामायण पढ़ना है, ठाकुर जी की सेवा करना है, ठाकुर जी का भोग पाना, भोग बांटना है, इसी में मगन रहना है। कछु लेना न देना, मगन रहना। इधर उधर जाना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। और यही बात यहां सावधानी है एक, यही बात अपने बच्चा बहु बेटी में भी डालिए। क्या? भज लो, भजन कर लो, सुमिरन कर लो, सब लोग मिलकर प्रेम से। साधु का घर कैसा हो, भगत का घर कैसा हो, भगत का जीवन कैसा हो, भगत की गाड़ी कैसी हो, का अत भजनमय हो। आपसे कोई मिले और उसको ये बोध न हो कि ये भगत हैं, तो आपकी भक्ति का क्या अर्थ है? भगत जी को कभी बनावटी जीवन नहीं जीना चाहिए, भगत को सहज जीवन चाहिए। राम जी कैसे हैं? मन जाहिराचेउ मिली सो बर सहज सुंदर सांवरो। भगत को सहज रहना, एकदम सहज रहिए, बनावटी नहीं, सीधा सरल। भगत के लिए भगवान ने क्या कहा सुनिए। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदा, यथा धर्म में आ गया संतोष। प्रीति सदा सज्जन संसर्ग, प्रीति सदा प्रीति सज्जन उनका संग, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्ग, भगत की परिभाषा है प्यारे। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदा, प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग। जिनके स्वभाव में ये व्यवहार है वो भगत। भगत का स्वभाव सहज है, अपरिवर्तनीय है, स्थिर है, स्थिर है। चक्रवर्ती जी ज्ञानी भगत हैं, ये भी समझने योग्य बात है। भगत इस बात का भी चिंतन नहीं करता है कि यह कार्य तो होना ही है। भगत क्या सोचता है? राम जी की इच्छा है, हो गया तो भला, न हुआ तो भला। भगत कभी भी इस बात का विचार नहीं करता कि ये कार्य होना ही चाहिए, वो तो भगवान में सौंप दिया है और भगवत आज्ञा से व्यवहार कर रहा है। हो गया जय जय, नहीं हुआ जय जय। भगत भगवान को कभी बाध्य नहीं करता, प्रभु ये काम तो होना ही चाहिए, अब ये भी न हुआ तो हम भगत किस बात के लो।
कभी भी श्रेष्ठ को बाध्य न किया जाए। इच्छा करना जीव मात्र का कर्तव्य है, इच्छा पूरी हो ये भगवान का कर्तव्य नहीं है। इच्छा पूरी हो तुम्हारा भाग्य, न पूरी हो तुम्हारा प्रारब्ध। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।